मिट जाएंगे। देश में करोड़ों लोगों का पैसा सहारा सुब्रत राय उसकी प्रबंधन टीम के सुनियोजित चाल के द्वारा लोगों का डूबने के कगार पे है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तारीख पे तारीख दी जा रही है, लोग यहाँ मर रहे हैं, कार्यकर्ता मर रहे हैं, एजेंट आत्महत्या करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज 15 में, मैं हुस्नेह आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहाँ पर आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। आज हम आए हैं सहारा इंडिया समूह के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में, जहां पर लोगों की मांग है कि उनके पैसे वापस दिए जाए, क्योंकि हजारों निवेशकों ने सहारा में पैसे लगाए हैं और जब पैसे देने की बारी आई तो सहारा इंडिया ने मना कर दिया। इसी बीच हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किन किन मुश्किलों का वो सामना कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सहारा आंदोलन के अगुवाई करने वाले अभय देव जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट कब से चल रहा है और इनके कितने तमाम लोग हैं जिनकी पैसे फंसे हुए हैं सहारा में। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देश भर के पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ता आज इस आंदोलन को प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। देश में करोड़ों लोगों का पैसा सहारा सुब्रत राय उसकी प्रबंधन टीम के सुनियोजित चाल के द्वारा लोगों का डूबने के कगार पे है और सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग लगातार उसको तारीख पे तारीख दे के कानूनी उलझनों में फंसाए बैठे हैं। देश के लोग तंग आ चुके हैं, पीड़ित कार्यकर्ता अपनी जान देने पे उतारू हैं, क्योंकि लोगों के साथ लोग अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं और यहाँ तक की स्थिति है उनके दरवाजों पे चढ़ के उनके पैसे की मांग कर रहे हैं। वो बेचारे जिन लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने आड़ी मेहनत करके देश के सुब्रत राय को पैसा दिया और इतना बड़ा और इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण कराया, आज वही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। इस नाते हम सब लोग लगातार 2-3 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। आज लखनऊ से होते हुए हम दिल्ली जंतर मंतर कार्यालय पे आए हैं और 3 दिन का हमारा कार्यक्रम की यहाँ है, 3 दिवसीय कार्यक्रम हम करेंगे और 3 दिवसीय बाद अगर सरकार नहीं मानेंगे तो हम संसद भवन के घेराव के लिए निकल देंगे। जैसा कि आपने मुझे बताया कि 2-3 साल से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन क्या लगता है आपको कि आगे तक अगर प्रोटेस्ट चलता रहा तो आपकी मांग पूरी होगी, आपके पैसे वापस मिलेंगे? देखिए, अब दिल्ली के बाद कोई रास्ता नहीं बचता। यह दिल्ली देश की सरकार यहाँ बैठती है, प्रधानमंत्री बैठते हैं, देश की सभी संस्थानें यहाँ पे बैठती हैं, जो ईडी हुआ, उनका सीबीआई हुआ, विभिन्न प्रकार के एजेंसियाँ हैं जो भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश लगाती है और सरकार आम जनता को, गरीब लोगों की मदद करती है, उनके पैसे की संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की है। हम यहाँ आए हैं, अब यहाँ से हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो लड़के जाना है या तो मर के जाना है। हमारे किसी भी रिजल्ट को अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम निश्चित तौर पे हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बनता है। अगर वो हमारी बात नहीं मानती है तो हम सारे लोग अभी आमरण अनशन कर रहे हैं, फिर हम कल आज ही और कल में हम लोगों का प्लान है कि हम खून से लेट चिट्ठी लिखेंगे और देश के प्रधानमंत्री को सौंपेंगे और राष्ट्रपति को सौंपेंगे। कल हमारी बात नहीं उस पर मानी जाती है तो हम सभी लोग देश की संसद भवन की तरफ चलेंगे, अगर उस पर भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम देश की राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु के लिए अपनी मांग करेंगे कि हमको न्याय दीजिए या फिर इच्छा मृत्यु दे दीजिए। अभी आपने अपने भाषण में कहा कि आपकी जगह पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो कांग्रेस पार्टी को दे दी गई, क्योंकि साथ में कांग्रेस पार्टी का भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपकी जगह कैसे शिफ्ट हो गई? हमने कार्यक्रम के लिए यहाँ पे जो परमिशन लिया था, हमने पहले से आके परमिशन ग्रांटेड कराई थी और हमको जगह दी गई थी कि आप यहाँ टेंट लगाइए, माइक लगाइए, अपनी व्यवस्था कर लीजिए। अचानक रात में, सुबह से लेके कल रात को 12 बजे तक दिल्ली पुलिस की सारी मशीनरी लग के सिर्फ हमसे ब्रीफिंग पूछ रही थी कि कितने लोग आएंगे, क्या होगा, ये नहीं बता रही थी कि हमारा परमिशन कैंसिल किया है आपने। सुबह मॉर्निंग में जब हमारे लोग आए तो उन लोगों को ये कह के हटा दिया गया कि आपका परमिशन कैंसिल हो गया। फिर मैंने वहाँ पे स्थानीय बड़े अधिकारियों से बात किया कि दिल्ली में लाखों लोग आ चुके हैं, आपको अपनी प्रशासनिक अमलों के बारे में फेलियर हैं, आपको ये इनपुट नहीं मिल पा रहा है कि दिल्ली में लोग कितने आ गए हैं इस प्रोटेस्ट के लिए, वो हम लेके कहाँ जाएंगे। इसके पहले हम रामलीला मैदान में 10,000 लिख के दिए थे कि हमको 10,000 का परमिशन दीजिए, वो कल शाम को 4 बजे वो हमको लेटर दे रहे हैं कि आपका ये प्रोटेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। लोग आ चुके हैं और शाम को 4:30 बजे प्रोटेस्ट के कैंसिल के बाद दे रहे हैं, हम दिल्ली में कहाँ लेके जाएंगे उनको। तो फिर ये तो स्वयं चाह रही थी दिल्ली पुलिस की दिल्ली जाम हो जाए और दिल्ली में ये कार्यक्रम ना होने पाए, दिल्ली में अपरा तपरे। हम लोग भारत माँ का झंडा लेके आए हैं, तिरंगा झंडा लेके आए, भारत और भारत की संप्रभुता और भारत के सम्मान से हम लोग बंधे हुए हैं। हमारी पूर्ण निष्ठा भारत की सरकार से के साथ साथ भारत के इस तिरंगे झंडे से भी बना है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम बेहद पीसफुल आंदोलन करेंगे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हर घर झंडा, हर तिरंगा होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कहा था
कि हर लोगों के पास तिरंगा झंडा होना चाहिए, और उन्होंने 13 तारीख से कहा था, 11 से लेकर 15 तक की बीच करी थी, हमने कहा था आप 5 तारीख को ही आ जाइए। दिल्ली में मेरा मकसद था दिल्ली में लाखों लोग तिरंगा झंडा लेके दिखाई दें, ताकि सेटेलाइट से जब देखा जाए तो दिल्ली भगवा में ना रहे, तिरंगा में दिखाई दे। इन लोगों की स्ट्रेटजी भगवा में करने की थी और हम लोगों की स्ट्रेटजी तिरंगा में करने की थी। अब वो भगवा में को बड़ा करना चाहते हैं और तिरंगा को छोटा करना चाहते हैं, ये तो भारत की सरकार तय करे या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो बैठे हैं मोदी जी, देश में भगवावाद शुरू करना चाह रहे हैं कि तिरंगावाद शुरू करना चाह रहे हैं। देश के लोग सड़कों पे मर रहे हैं, बेरोजगारी भुखमारी से मर रहे हैं, ये पीड़ित लोग अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं, और देश में जो सरकारें बैठी हैं वो हिंदू मुसलमान कर रही हैं। हमको हिंदू मुसलमान नहीं करना है साहब, हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, हम वो पीड़ित लोग हैं जिन गरीबों का पैसा एक एक रुपया करके हमारे खुद के पिताजी की इस पैसे के नाते मृत्यु हो गई थी। एक बेटे के सामने एक पिता की मृत्यु इस नाते हो जाती है कि उसके पास पैसा है भी और उसको निकाल नहीं पा रहा हो, लगा नहीं रह पा रहा हो, तो ना मैं ऐसे किसी कंपनी को मानता हूँ, ना ऐसे किसी सरकार को मानता हूँ, ना ऐसे किसी सिस्टम को मानता हूँ। मुझे भारत की सरकार नहीं, भारत के संविधान पर भरोसा है। भारत का संविधान गरीबों और अमीरों में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कानून हमारे लिए है संविधान में हमने जहाँ तक जाना है वही अमीरों और वही गरीबों के लिए भी है। लेकिन भारत की जो वर्तमान की सरकार है वो अमीरों के लिए शायद कोई दूसरा कानून ला रही है और गरीबों के लिए कोई दूसरा कानून लाई है। वो देश के संविधान से संसद से ये सार्वजनिक कर दें कि ये कानून अमीरों का है इस पर काम होगा और ये कानून गरीबों का है इस पर काम नहीं होगा। हम मान लेंगे कि हमको क्या करना है, देश में 70% आज भी गरीब परिवार के लोग विषम हालात में जी रहे हैं, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और वो उद्योगपतियों को संरक्षण दे रही है और भारत को के लोगों को गरीब और बेरोजगार बना रही है। क्या देश है, कैसी व्यवस्था है, कैसे देश में सरकारें चलाते हैं, ये क्या उद्योगपतियों से सरकार चलेगा? क्या देश के गरीबों के लिए सरकार नहीं है? किस वादे के साथ करके आई हुई थी कि हम कह रही थी कि हमारे गरीबों के लिए हम सारे दरवाजे खोल देंगे जिससे उन्हें सुख समृद्धि आ जाएगी। एक दरवाजे खोलने की बात तो करिए, देश में 12 लाख लोग जो है काम कर रहे थे, सारा सिर्फ सहारा नहीं कार्यकर्ताओं के बारे, वो भी बेरोजगार हो गए। वो उनको पैसा देता है, उनको उनके हित संरक्षण होता, 5,000 करोड़ यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव में सुब्रत राय ने लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी को मदद किया था और उन्होंने सरकार बनाने में, हम कह रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं, वो साबित करके दिखाएं कि हमको नहीं मिला है, वो उन्होंने उनके पैसे से आया, वो पैसा हमारे लोगों का था, वो मेडिसोनिया में अपने लोगों के लिए महान बना रहे हैं और हमारे लोगों के पास घर नहीं है, और हम वो एमबी वैली में लोगों को दिखा रहे हैं कि एमबी वैली हमारी बहुत अच्छी है और इनके पास झोपड़ी नहीं है। अरे एमबी वैली छोड़िए सारा, जिस दिन हम सारे लोग आप हमारे कार्यकर्ता को प्यारे कार्यकर्ता के रूप में संबोधित करते हैं, तो जैसे मेरा गरीब रह रहा है कार्यकर्ता पीड़ित है, उसी दिन आइए ना, 10 दिन तक हमारे साथ रह के गुजारिए, हमारे साथ रह के गुजारिए, आपको लगेगा कि कौन कितना पीड़ा में है। आप एसी में और बड़े बंगलों में बैठ के ये कह रहे हो कि आप काम करिए और हम आपके साथ हैं और देश की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करें, ये नहीं होगा। अब देश के लोग भी जाग गए हैं, आंदोलन भी बड़ा हो गया, अब निश्चित हम उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और अपना परिणाम लेंगे। हम लोग यहाँ पे दिल्ली में इकट्ठे हुए, ग्वालियर से आए हुए हैं, सारे इंडिया के पैसे के लिए इकट्ठे हुए हैं और सारा इंडिया के बारे में सुना नहीं जा रहा है। दिल्ली में हम लोग जगह जगह हर राष्ट्र से, हर देश से, हर राज्य से, हर गांव से, हर कस्बे से, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई कहीं से भी धक्का खाते हुए आया है। यहाँ पुलिस वाले उनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। हम लोगों का जो आंदोलन है उसको दबाया जा रहा है और हमारी जो जगह अलॉट की थी वो जगह भी हमें नहीं दी गई और हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है और सारा ने तो हमारे साथ फ्रॉड किया ही है। हम सारा की वजह से तो सारे कार्यकर्ता मर ही रहे हैं, परंतु सरकार भी हमारे साथ नहीं लग रही है। हम इसका जवाब सरकार को भी देंगे और सारा को भी देंगे। इंकलाब मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पैसा लेके रहेंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। इंकलाब इंकलाब। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंकलाब के जिंदाबाद लगाए जा रहे हैं, साथ ही यहाँ पे इंडिया समूह, सहारा इंडिया समूह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आइए और लोगों से बात करते हैं। मैं बिहार से आया हूँ और बहुत दिनों से 8-9 साल से सारा इंडिया पेमेंट भुगतान नहीं कर रही है और सरकार जो है सोई हुई है। हम लोग दूर दूर से लोग आ करके सरकार को जगाने के लिए आए ताकि हम लोग की समस्या जो है दूर हो और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तारीख पे तारीख दी जा रही है। लोग यहाँ मर रहे हैं, कार्यकर्ता मर रहे हैं, यहाँ लोग जो है घर लूटने के लिए आते हैं, बच्चों को जो है
बजती करते हैं घर पे, एजेंट आत्महत्या करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे, आत्महत्या करेंगे, कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हम लोग को जान खतरा पे है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये सहारा समूह इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं, और साथ ही ये लोग इस आशा में हैं कि सरकार इनकी बात सुनेगी, साथ ही इनके पैसे भी वापस दिलाएगी।